नमस्कार, चैतालीस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाना सीखेंगे बाजरे की रोटी। इसके लिए हमें चाहिए बाजरे का आटा, नमक, अजवाइन और तेल। बाजरे के आटे में नमक डाल दीजिए, फिर उसमें अजवाइन डालो के मिला लीजिए, फिर उसे पानी से गूंद लीजिए। जब आपका आटा गूंद जाए तब उसे 10 मिनट तक ढक्कन लगा के रख दीजिए। मिनट के बाद में आटे की छोटे छोटे पेड़े बना के इसको हल्के हाथ से प्रेस करिए और रोटियां बना लीजिए। जब तवा गरम हो जाए तब हल्के हाथ से उस पे रोटी डाल दीजिए। इसको मिड फ्लेम में पकाना है। बाजरे की रोटी को पकने के लिए थोड़ा समय लगता है। जब ये एक साइड पक जाए तब इसको पलटा लीजिए। बाद में इसे गैस पे पका लीजिए। अब हम बाजरे की रोटी एक और तरीके से बनाएंगे। अब इसे हम अच्छे से पका लेंगे। बाजरे की रोटी अब तैयार है। इसे हम गुड़, चटनी, अचार और दाल के साथ सर्व कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।